हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोल्ड ब्लडेड सिंह। काफ़ी ख़तरनाक नाम है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं न्यू HP का लैपटॉप DV0058TU कैसे लिया और कहाँ से लिया। इसके पीछे एक छोटा सा स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए पहले स्टोरी बता देता हूँ। तो स्टोरी ऐसा है कि मैं बरगढ़ में रहता हूँ, बरगढ़ उड़ीसा में। तो जब मैं HP का स्टोर ढूंढा तो यहाँ पे तो नहीं था। तो यहाँ से करीब 110 किलोमीटर बलांगीर वहाँ पे अवेलेबल थे, बट वहाँ जाना अभी पॉसिबल नहीं था। तो अभी कुछ दिनों बाद मैं जाने वाला था कटक। तो मैं कटक पहुँचा और कटक पहुँचने के बाद मैं सैटरडे को कटक पहुँचा। तो संडे को सुबह जब मैं वहाँ HP के स्टोर पर कॉल किया तो तब मुझे पता चला कि वहाँ पर लॉकडाउन है, जो कि सैटरडे संडे वाला जो लॉकडाउन था वही लगा हुआ था। तो अब मैं सोचा कि कहाँ से खरीदूँ, क्या करूँ क्या नहीं, तो थोड़ा टेंशन हो गया था। फिर मैं उन्हें कॉल किया तो HP स्टोर वाले ने कहा कि वो लोग स्पेशली हमारे लिए खोल रहे हैं, बस हमें देंगे, सेल करेंगे हमें, उसके बाद से वो वापस से स्टोर को क्लोज कर देंगे। तो ये सुन के थोड़ा मुझे अच्छा लगा। तो हमने फिर यही था छोटा सा स्टोरी, वहाँ से हम लोग फिर खरीदे। और वो जो ओनर थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही सपोर्टिव थे और बहुत ही कोऑपरेटिव थे। तो ये रहा कि कैसे मैं लैपटॉप खरीदा। अब चलिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसके स्पेसिफिकेशन और इसका फर्स्ट लुक आप लोगों के सामने मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास HP पेवेलियन लैपटॉप 14DV0058TU है। और इसके स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। यह है i7 11 जनरेशन के और 1TB SSD दिया है, 16GB रैम है, DDR4 रैम है। फिर इसमें कोई भी ऑप्टिकल ड्राइव नहीं है। ऑप्टिकल ड्राइव इन द सेंस कि इसमें कोई CD ड्राइव, DVD ड्राइव नहीं है। और इसमें प्री इंस्टॉल्ड विंडोज 10 एक्टिवेटेड दिया है। फिर फिंगरप्रिंट रीडर है इसमें। और ये लैपटॉप का स्क्रीन साइज़ है आपका 14 इंच। और फिर इसमें 3 सेल्स का बैटरी दिया है जो कि 43 वाट का है। और यहाँ पे कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है और नीचे ऐसा कुछ ये नहीं है, नीचे एक नॉर्मल बारकोड दिया हुआ है। अब जैसे हम लोग इसके साइड व्यू देखते हैं तो साइड में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस होम एंड स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। फिर नीचे इंटेल का एक ब्रांडिंग है और कुछ खास नहीं है। साइड में देखिए जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है इसका 92,109.50। और इसके साथ कोई बैग इंक्लूडेड नहीं है। देखिए 0058TU यही है। और ये मैंने कटक से ख़रीदा है। यहाँ पे उसको लिखा हुआ है मेड इन चाइना, ये सब वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। तो चलिए इसको मैं जल्दी से अनबॉक्सिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ लैपटॉप कैसा है। और मैं साथ में ये भी बताऊँगा कि कैसे मुझे ये लैपटॉप मिला लॉकडाउन में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बॉक्स से निकाल लिया और क्या मस्त पैकिंग किया हुआ है इन्होंने, एक नंबर लग रहा है। चलिए मैं खोलता हूँ। एकदम अंडे का ट्रे जैसे दिख रहा है। और ये रहा हमारा प्यारा सा DV0058TU। ये काफ़ी छोटा है, 14 इंच का है और पूरा मेटेलिक बॉडी है। चले मैं इसको खोलता हूँ। खोलने से बता दूँ, पहले आपको बता दूँ कि इसमें 65 वाट का चार्जर दिया है। और साथ में जैसे कि मैं आपको दिखाया था कवर पे कि नो बैग इंक्लूडेड है, बट वो लोग हमें फ्री में एक बैग भी दी जो कि काफ़ी अच्छा है और ड्यूरेबल भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा, प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत सही है। अब ये देखिए क्या मस्त दिख रहा है, शाइनिंग। ये देखिए कितना स्लिम है। ये है उसका बैक।
चलिए इसका साइड व्यू देख लेते हैं। साइड में एक यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है और ईयरफोन के लिए दिया हुआ है 3.5 mm जैक। चलिए और इस साइड देखते हैं। तो ये देखिए एसडी कार्ड लगाने के लिए दिया हुआ है और सी टाइप चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, प्लस चार्जर भी है, एचडीएमआई पोर्ट भी है और एक यूएसबी पोर्ट इस साइड भी दिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से हम इसे ऑन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा लैपटॉप। चलिए जल्दी से हटाते हैं इसे। वाह क्या लुक है। और देखिए साथ में यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी दिया है और यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है ब्रांडिंग, फिर इंटेल का, फिर इंटेल आयरिस का भी है ब्रांडिंग, प्लस इधर पेवलियन ये सब लिखा हुआ है। और देखिए इसका बैकलाइट दिया हुआ है, इसमें क्या मस्त दिखता है। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसे ऑन करते हैं। तो पावर ऑन का बटन, ये देखिए कितना जल्दी ऑन होता है। लीजिए ऑन हो गया, बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर ये लैपटॉप ऑन हो गया और क्या मस्त दिख रहा है। 1 सेकंड के अंदर ऑन हो गया फ्रेंड्स, 1 सेकंड के अंदर, आई कांट बिलीव। एक्चुअली मेरा जो पुराना लैपटॉप था वो मिनिमम 2 से 3 मिनट लगता था ऑन होने में।